का महान ज्ञान को प्रकाशित किया, है ना। ऐसे भगवान में मेरी बुद्धि लगे। कैसे भगवान में लगे? वो कहते हैं कि इन अविद्या रूप बुद्धि का, जिन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दे करके निरस्त किया, उनको उन बुद्धि को हटा दिया, दोष उत्पन्न हुआ था। क्या दोष था? ना अहंता और ममता रूपी दोष था, अहंकार कि मैं अर्जुन हूं और ये मेरे कुल के वडील लोग हैं, ये मेरे गुरुजन हैं और ये मेरे दादा हैं, हमारे कुल के वृद्ध पुरुष हैं, उनको मैं कैसे मारूंगा। अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। वस्तुतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जिस प्रकार अभी युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न करके भगवान ये भीष्म के पास लाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन को भी उनके छोटे भाई की मोह उत्पन्न हुआ था हम लोग को देख करके, लेकिन उनका मोह मिटा दिया भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दे करके। टीकाचार्य बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा उनके ऊपर लिखते हैं। हम लोग जितना हो सके शीघ्र चलना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा अटकता नहीं हूं कहीं पर। वो बोलते हैं कि न केवल अर्जुन से सब पत्ना आयुर हरणेन विजय एम संपादितवान किंतु गीतोपदेशेन अपि तस्यान एशान इदानीम अंतम नाना च अविद्या अपहरणेन संसार विजयम अपि संपादितवान इति भगवत परोपकारम स्मरण तत्चरण अर्पित प्रार्थयते। कहते विश्व पितामह भगवान के उन चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पित करने की प्रार्थना करें, उन भगवान के कि न केवल अपने सखा को विजय दिलाने के लिए प्रवृत्त है, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव के ऊपर उपकार करने के लिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया। अर्जुन की बुद्धि कभी बिगड़ नहीं सकती है क्योंकि वह भगवान का पार्षद है, लेकिन भगवान के द्वारा ही मोह उत्पन्न किया था। और किस समय कौन चुना? 45 मिनट उपदेश चला केवल, क्योंकि दोनों सेनाएं रेडी थी, शंख बज चुके थे, उनके बाद में दोनों क्या कर रहे हैं बीच में करे वो करके किसी को पता नहीं चला। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि जान गए कि अर्जुन की बुद्धि में कलवश उत्पन्न हुआ है, वो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। वो कलमश वास्तव में भगवान ने उत्पन्न किया था ताकि जगत को उपदेश करे। रण मैदान में मृत्यु को पर विचार किया जा सकता है ना, युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र को चुना भगवान ने। बोले संसार भी, इस संसार में जीव निरंतर युद्ध कर रहा है, किससे? ये युद्ध क्षेत्र है जीव के लिए, और आखिर जीव परास्त हो जाता है किससे? माया से है। तो बोलते सभी जीव लोग उन माया के ऊपर विजय प्राप्त करे, ये भगवान का परोपकार है जगत के ऊपर, न केवल अपने सखा को वो विजय दिलाना चाहते थे। भगवान एक कार्य से अनेक पर्पस को सिद्ध करते हैं, वो अपने भक्त के हृदय में मोह उत्पन्न करके हम सबको उपदेश सुनाते हैं। यही भगवद गीता हमारे पास है, हम 700 श्लोक के रूप में वेद व्यास महाराज ने उनको निर्मल ग्रंथ को महाभारत से अलग एक ग्रंथ के रूप में निकाल करके कर दिया है हमारे लिए। तो समस्त जगत के जीव भगवान के अपने हैं, है ना। तो अपने लोगों के लिए भगवान कार्य करते, सबके लिए कार्य किया, सबको उन मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ग्रंथ दे दिया। बहुत सुंदर भाव लिख रहे ये आचार्य। वो कहते हैं कि उन सबकी अविद्या, न केवल अर्जुन की अविद्या दूर किया भगवान, अर्जुन को बहाना बनाया और सबके अज्ञान को वो दूर किया, और सब लोग उन संसार विजय के लिए तैयार हो जाए। ये ग्रंथ भगवद गीता साथ में लेकर गए, क्या दिक्कत है? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जाए,
इसलिए भगवान का यहां इस समता का दर्शन हो रहा है। फिर भी कहते हैं उनका भजन करने वाले में उनकी प्रीति रहती है ना, बाकी सब जगह समान और समान रूप से सबको अधिकार दिया भगवद गीता के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि कोई भी दर्शन हो वो कोई मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ दर्शन होने से उनकी एक सीमितता है, लेकिन भगवद गीता जगत के समस्त मानवों के समाज में लागू किया जा सकता है, क्योंकि वो इतना अद्भुत सिद्धांत है, वो सबके ऊपर लागू होता है। और अमुक सिद्धांत जो लोग रचना करते हैं, कोई धर्म के वडिल, धर्म के संस्थापक, तो वो अपने उन फॉलोअर के लिए करते हैं, लेकिन भगवान करते हैं तो ये विश्व के लिए हो जाता है। तो भगवद गीता वैश्विक ग्रंथ है, इसलिए वो सिद्ध भी किया उन महापुरुष ने, है ना, प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया, उसी भगवद गीता का प्रचार करके सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक मानव जाति इनको अपना सकती है और अपने जीवन धन्य कर सकती है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो उन परोपकार का स्मरण करके उनके चरणों में प्रीति की प्रार्थना कर रहे, कहते व्यवहिता किंचित दूरे स्थिता या पृतना कौरव सेना तस्या मुखम इव, कहते मुखम अग्र स्थितान सुखम इव मुखम अग्र स्थितान, ऐसे विष्म द्रोणादि निगाह, कहते दोष बुद्धिया पाप बयन, कहते हैं कि अर्जुन की ओर भगवान की पीठ थी। इसी बात को कह रहे हैं, तो इसलिए उनका चित्त अज्ञान में भरा, लेकिन भीष्म द्रोण इत्यादि बुद्धिमान पुरुष सामने थे, उन्होंने देख लिया कि ये अज्ञान अर्जुन को उत्पन्न हुआ है। और बाकी सब लोग सोच रहे थे कि ये क्या लोग अभी क्या मीटिंग चालू किया है लोग ने, शंख बजने के बाद क्या मीटिंग करना है, मीटिंग पिचटिंग करना हो तो घर में करना, पहले तो सोचा कि सरेंडर करने के लिए आ रहे, नहीं बोला ये लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 45 मिनट शंख बजने के बाद 45 मिनट लगा अर्जुन को समझाने में, और ये दुर्योधन इत्यादि चकित थे कि क्या दोनों बातचीत कर रहे हैं, परामर्श क्या कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि किधर से वार किया जाए, ये सब देख रहे, नहीं वो अर्जुन को तैयार करने में भगवान को 45 मिनट लगा है? और वो 45 मिनट का बातचीत विश्व में सर्वोपरि दर्शन होकर के रहे, और ये भी विचार पूर्वक नहीं बोले ना, भगवान ने कोई विचार नहीं, ऐसे ही खट 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 खट, 45 मिनट में क्या विचार करेगा कोई व्यक्ति बोलने पर, हम लोग तो इतनी तैयारी करके एक घंटा बोलने में नानी मरती है, याद नहीं रहता है, टोटल रूम में भी देख 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 करके बोलते हैं, और भगवान केवल खट 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 खट, और अर्जुन प्रश्न कर रहे थे खट खट, और वो उनका उत्तर देते जा रहे थे, इसी को भगवान बोलते हैं। और वो ज्ञान के रूप में कैसा ग्रंथ हुआ ना, बड़े बड़े विद्वान वो लोग भी समझ नहीं पा रहे, उनको समझाने के लिए कोई आचार्य चाहिए, इतना अद्भुत ज्ञान भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में दिया। देखिए भीष्म और द्रोणाचार्य इस बात को देख रहे थे, इस बात को समझ भी रहे थे, तो ये कहते भीष्म द्रोणन निरीक्ष, और दूसरा बात उनका निरीक्षण करके उनमें ये बुद्धि उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे अपने गुरु है या मेरे अपने है, ये कैसी बुद्धि है, तो बोलते हैं ये दोष, कहते क्या दोष, पाप भयन, पाप के कारण उत्पन्न हुआ दोष, इनमें पाप क्या है, अर्जुन नहीं लड़ेगा उनमें क्या पाप है, कौन बता सकता है, आप इतने टाइम से सुन रहे हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन पाप है, जीव पहले से ही करके पाप में पड़ा हुआ है, ये सबसे पहला पाप हुआ है जीव से, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, ये सबसे बड़ा पाप है, उनके बाद में पाप की श्रृंखला प्रारंभ होती है, पुण्य की श्रृंखला, पाप की श्रृंखला, बद्ध जीवन प्रारंभ होता है, इसमें ये
पाप बुद्धि या दोष बुद्धि, या वो मान लीजिए कि उनकी ये पाप बुद्धि उत्पन्न हुई, ये दोष था, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। भगवान चाहते थे युद्ध और उनकी आज्ञा का उल्लंघन अर्जुन करे, ये दोष बुद्धि। कहते हैं स्वजन स्वजन वदात विमुखस्य अर्जुनस्य कुमतिम अहन हंता एव मदिया इति देहादो। कहते हैं कि अर्जुन का जो स्नेह उत्पन्न हुआ है ना, क्या ना ये मेरे स्वजन का मैं वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये बहुत अच्छा ही है, प्रभुपाद जी लिखते अपने ग्रंथ में, अर्जुन एक सजन व्यक्ति था। कोई भी सजन व्यक्ति अपने सजनों को मार के सुखी नहीं होना चाहता इस संसार में, लेकिन इस बिहर संसार में कभी कभी ये करना भी होता है। स्वजन अगर कुपथगामी हो जाए तो भगवान के राज्य में रहने के योग्य न हो जाए, उनको निकाल दिया जाएगा। जैसे कोई घास होता है, वो घास अगर मूल पौधे को, धान के पौधे को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, उसका निंदन करना चाहिए है? तो भगवान ऐसे इन दुर्योधन रूपी घास इत्यादि का निंदन करने के लिए उनकी इच्छा थी, और अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, और वो भी एंड टाइम पर। घर में हुआ होता था तो दूसरी बात थी, अब युद्ध के मैदान में दोनों सेना बीच शंख बजाने के बाद, बोले बाद में अभी क्या है, अभी मैं नहीं लड़ूंगा। उन्होंने तो रख दिया धनुष बाकायदा, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे बोले ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा है? तो बोलते अर्जुन से कुमति अहम हंता, बोले उसको मैं हरण करूंगा। भगवान बोला मेरा मित्र है, उनकी बुद्धि में जो दोष उत्पन्न हुआ है तो दोष मैं उनका हरण करूंगा। हन हंता ये मटिया इति देहादो, कहते हैं कि उनकी जो ममता युक्त बुद्धि हुई है, ममता रूपी दोष उत्पन्न हुआ है, कैसे अहम मम इति अभिमान रूपी अविद्याम च, उनकी इन अविद्या हरण करके आत्म विद्या गीता उपदेशो उपदेशन अहन तस्य परमस्य पुरुषोत्तमस्य चलन रतिर में ममास्ति इति अन्वया। कहते हैं कि उन अहंता ममता रूपी बुद्धि गीता उपदेश के द्वारा दूर किया अर्जुन का, ऐसे उन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति मति हो, मेरी ममता उस भगवान में लगे। विष्णु पितामह का स्तुति अद्भुत है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात थोड़ा भिन्न से लिख रहे हैं, आइए उनका पाठ करके हम लोग आगे चलते हैं। वो कहते हैं तदानीम इति अर्जुन स्यापि स्वयं भगवतो एव उक्तो स्थापितम नित्य पार्षदात्। हाँ कहते हैं कि अर्जुन तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो ना, क्योंकि तुम साक्षात नर हो, नर के अवतार स्वरूप मैं नारायण हूँ, और तुम में ये कुमति कैसे संभव हुई ना, जगत उद्धारक सत्व ज्ञापक श्री गीता शास्त्रम आविर्भवती हूँ इति गेयम। भगवान ने उन आत्म विद्या सब जीवों को देने के लिए इन गीता शास्त्र का उत्पत्ति के लिए उनको अज्ञान दिया था, वो जगत उद्धार का जगत हित का बात भगवान ध्यान में रखे, और अपने मित्र को ये दुर्बुद्धि दे करके जगत हित के लिए उन्होंने भगवत गीता का इन आत्म विद्या, कहते हैं आत्म विद्या स्वनिष्ठ ज्ञानेन। स्वनिष्ठा का अर्थ होता है जो व्यक्ति भगवान में निष्ठा रखते वो स्वनिष्ठा है, अपनी निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ होता है कि मैं यही कर्तव्य हमारे लिए है, निश्चित बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, उनको निष्ठा बोलते हैं। हम देह के लिए कर रहे हैं, हम अज्ञान में हैं, अहम मम इति, कर्ता मैं हूं तो भोक्ता मैं होना चाहिए, दूसरे के लिए मैं क्यों कर्म करूं। लेकिन हम दूसरे के लिए कर्म करने के लिए बनाए गए, और दूसरे भगवान है, और यह क्या माया, माया के लिए कर्म करो या भगवान के लिए करो, दूसरा वस्तु है माया, ये सब दूसरी वस्तु है हमारे लिए,
ये ममतास्पद जितने भी है उनके लिए कार्य में हमारा उत्साह देखा जाता है, लेकिन वो उत्साह थर्ड क्लास है, उसी में हम डूबेंगे, इसी उत्साह में हम लोग डूब करके मरेंगे। कितना भी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति होने दो और बारंबार प्रयत्न करने वाला बुद्धि उनके पास है, बहुत एक्सपर्ट बुद्धि है, लेकिन डूबेगा ही डूबेगा। इतर कार्य अगर किया इन निष्ठा से, इतर निष्ठा अगर व्यक्ति की बुद्धि में आया तो माया निष्ठा होगा, वो सुनिश्चित वो माया उनको डुबाएगा। इसीलिए उन व्यवसायित्मी का बुद्धि जीव को बनाना चाहिए। ये दो श्लोक से बहुत सुंदर उपदेश हम लोग लेने लायक उपदेश यही है कि व्यक्ति को व्यवसायित्मी का बुद्धि बना लेना चाहिए। जितनी अव्यवसायित्मी का बुद्धि हमारी रहेगी समाधान भी देती है, हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकेंगे। जितना हो सके ऐश्वर्यों से बुद्धि को हटा हटा करके भगवान में लगाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये हर कृष्ण मंत्र का हम जप करते हैं तो हम परिश्रम करते हैं, भगवान में मति लगा रहे। और गीता का ज्ञान का उपदेश का अर्थ यह है कि रोज इसका पाठ करना चाहिए और इससे अपनी बुद्धि को इन भौतिक ऐश्वर्यों से हटाना चाहिए, ये प्रयत्न रोज करना चाहिए। रोज इस प्रैक्टिस जीव का कर्तव्य है, इसी तब निष्ठा उत्पन्न होगी। हाँ, इति निष्ठया बुद्धि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए। निष्ठा कब आएगी भगवान में? अभी अनिश्चितता बुद्धि है, अव्यवसायित्मी का बुद्धि, इसलिए हमारे हृदय में समाधि नहीं लगती, अर्थात भगवान का ध्यान, भगवत कथा में ध्यान नहीं रहता है, भगवान के रूप का ध्यान नहीं होता है, हैं? सुखदेव गोस्वामी पाद जब वो बार बार वर्णन कर रहे थे दसम स्कंद में भगवान के उन रूप गुण लीला का, वो बारंबार उनका चित्त उन लीला में अभिनिविष्ट हो जाता था बारंबार, और वो लीला क्रम का उल्लंघन करके चलते थे। हा, क्रम वाइज लीला नहीं बोले, कोई कोई लीला आगे पीछे बोल दिया। महाचार्य लोग बोलते देखिए इनकी इनका जो हृदय है वो अत्यंत शिथिल है, फिर भी वो कथा का वर्णन करना चाहते हैं इसलिए क्रम चुक जाते हैं। और राधा रानी का कदाचित नाम नहीं लिया भागवतम ने कहीं भी सुखदेव गोस्वामी पाद ने, क्योंकि राधा नाम आते ही कथा ठप हो जाती थी, वो ठप हो जाएगा कथा, कौन कथा कहेगा फिर बाद में, वो तो राधा रानी के पैरट है, उनके सेवक है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना निष्ठा वो लोग के पास है भगवान में, निश्चय इनका बुद्धि कितनी है। भले हमें इतना आनंद न आए हरि कथा में, लेकिन प्रयास करने पर भगवान सफल करेंगे ना। हम अगर प्रयास करेंगे कि इन भौतिक ऐश्वर्यों को ऐश्वर्यों से हटा करके बुद्धि को लगाना, एक बार प्रयत्न कीजिए आप, एक बार कहीं अगर मान लीजिए कहीं जाते टाइम आपकी बुद्धि कहीं कोई विषय के प्रति आकृष्ट होती है तो उनका भगवान के लिए त्याग कर दीजिए, ये सोच करके कि प्रवचन में ऐसा सुना था, ये कर्तव्य है हमारा। एक बार त्याग करने से भगवान देख लेंगे, क्योंकि हृदय में वो है। भगवान के लिए अगर हम त्याग करते हैं कुछ वस्तु को तो भगवान उनके ऊपर ध्यान देते हैं, मेरे लिए कोई व्यक्ति कितना क्या त्याग, क्या त्याग है मेरे लिए। अतः भगवान एकदम उनके प्रति केयरफुल रहते, फिर भगवान बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बाद में वो ददामी बुद्धि गमतम हो जाएगा, वो भगवान बुद्धि देंगे। पर एक बार तो जीव को प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए भगवान का भक्ति ठीक है। हा, ये अवश्य विचार बना लेना चाहिए व्यक्ति को, अगर ये विचार नहीं बनेगा तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ममत्व वो तब तक उपदिष्टा अनुमंता के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हम जो कुछ भी बोलेंगे या जो कुछ हम करना चाहते हैं वो परमिशन दे देंगे, लेकिन बाद में जैसे बुराई का विचार आएगा एक बार ये निष्ठा उत्पन्न होने के बाद
बुराई का विचार तो बार बार आ सकता है, बुराई का विचार आएगा तो भगवान बुद्धि देंगे, वो नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए है? पर भगवान के लिए निद्रा का त्याग, भगवान के लिए त्याग बहुत आवश्यक है, बहुत। एक बार तो भगवान का ध्यान हमारे ऊपर खींचने के लिए, नहीं तो परमात्मा के रूप में विराजमान है, है? उनको कोई सरोकार नहीं, सब में समान बुद्धि है, वो क्या करना चाहते बोले ठीक है सैंक्शन, बोले दे दो उनको, उनको उन्होंने कर्म किया है अच्छा दे दो, तो इससे उनका बुरा होगा तो परमात्मा सोचेंगे नहीं, लेकिन किसने सोचेंगे, कृष्ण और परमात्मा में यह अंतर है। कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करने वाले व्यक्ति में ये फैसिलिटी है कि वही परमात्मा है, वो उनको अमरत्व की ओर उनकी बुद्धि को ले जाते हैं, बोले इधर नहीं बेटा मृत्यु का क्या क्यों मांग रहे, मृत्यु को अमरत्व है, इधर पीछे देख मैं खड़ा हूं। तेषां सतत युक्तानां पचताम प्रीतिपूर्वकम्, ये प्रीति थोड़ा होना चाहिए तब ददामि बुद्धि योगम आएगा, भगवान वो बुद्धि प्रदान करेंगे, पर जीव को करना होता है। ये एकाध बार अगर कोई कर लिया ना काफी है उनके लिए, भगवान को एक बहाना चाहिए जीव को कि एक बार वो अपनी ओर से थोड़ा समर्पण करे मुझसे, धीरे धीरे भगवान उनके लिए व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण।